लें जनाब रैंडम फॉरेस्ट को हमने अच्छे से समझ लिया हमने बैगिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया बूस्टिंग का समझ लिया इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम समझने वाले हैं वो है कि रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम को किस तरीके से पाइथन में अप्लाई किया जाता है यानी कि पाइथन में लाइब्रेरीज यूज़ करके एक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के बाद कैसे यूज़ किया जाता है फॉर प्रडिक्शन बहुत ही आसान है लेट्स डाइविन टू इट स्क्रीन आपके सामने हाजिर है जनाबे वाला हमारा जो आज का एल्गोरिथम है वो है रैंडम फॉरेस्ट तो मैंने यहाँ पे 15 नंबर अपनी नोटबुक नोटबुक बनाता हूँ रैंडम फ़ॉरेस्ट डॉट आई पी वाई एन बी इसको हम बनाते हैं जी यहाँ पे और ये नोटबुक का कोड और बाकी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी यू नो दैट तो मैं यहाँ पे कर्नल साहब अपने सेलेक्ट करता हूँ कर्नल साहब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी रेंडम फॉरेस्ट और यहाँ पे रेंडम फॉरेस्ट इज तो हमारा को पायलट हमें हेल्प करेगा और इट विल शो अस इनशाला अगर काम कर गया अक्सर अकात को पायलट साहब पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें जैसे आज हो गए लेट्स सी जनाब तो ये हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट इज़ अ अपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसके अंदर लाइक यू कैन क्लियरली सी सो मैं यहाँ पे इस नोटबुक के अंदर सुपरवाइज का नाम लिख देता हूँ लाइक यू कैन ऑलरेडी सी फ्रॉम इट्स नेम इट क्रिएट्स अ फॉरेस्ट एंड मेक्स सम हाउ रैंडम द फॉरेस्ट इट बिल्स इज एन इंसैबल ऑफ डिसीजन ट्रीज ठीक है सो so, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है द मोस्ट मोस्ट टाइम ट्रेन विदगिंग मैथड द जनरल आइडिया ऑफ बैगिंग मैथड इज़ दट कम्बिनेशन ऑफ लर्निंग मॉडर्ज इंक्रीज दिजल्ट से इन सिम्पल वर्ड्स रेंडम फ्रेस्ट क्रिएट मल्टीपल डिसीजन ट्री इन मर्ज डेम टूगेदर ओके ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हुआ है so, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये चीज़ मैंने लिखवा दी अब हम क्या करते हैं रेंडम फ्रेस्ट एलगोरिथम को अपलाई करके देखते हैं हाउ वी कैन डू दैट सबसे पहली चीज़ है जनाब इम्पोर्ट लाइब्रेरीज हमने क्या करना है रेंडम फ्रेस्ट एलगोरीथम के लिए हमने सबसे पहले इम्पोर्ट पांडास एस पी डी import numpy as np 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 import matplotlib dot pyplot as plt import seaborn as sns और हमारे पास फिर आएगा जनाब फ्राम एस के लर्न डॉट मॉडल सेलेक्शन ट्रेन टेस्ट सप्लीट करना है हमने डेटा को उससे भी पहले फ्राम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग हमने स्टैंडर्ड स्केलर की भी ज़रूरत नहीं है वी विल सी दैट लेटर ऑन मैं यहाँ पे सिर्फ लेबल इनकोडर्स आपको बुला लेता हूँ कि आप हमारी हेल्प करें फिर हम ट्रेन टेस्ट सप्लीट करेंगे डेटा को फिर हम क्या करेंगे फ्राम एस के लर्न डॉट एन सैम्बल ठीक है यहाँ पे चेक करें हमने इन से रैंडम फ्रेस क्लासीफायर बुलाया ये इन सैम्बल मैथड है फैमिली uh, है और इनके अंदर रैंडम फ्रेस क्लासीफायर मैं इस फैमिली की बात कर रहा था ठीक है रैंडम फ्रेस क्लासीफायर भी बुला लिया और रैंडम फ्रेस रिग्रेसर भी हम बुला लेते हैं हमने दोनों ही यहाँ पर कॉल कर लिए क्योंकि हम रिग्रेशन और क्लासीफिकेशन दोनों काम करेंगे और हमने एकोरेसी स्कोर क्लासिफिकेशन एक स्कोर की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बुला लेते हैं और यहाँ पे हम दोनों मैट्रिक्स जो है मीन एरर रूट मीन रूड एरर और बाकी चीज़ों को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं मैं इन सारे के सारे कोड को यहाँ पे रन करता हूँ इट विल टेक कपल ऑफ सेकेंड्स और ये रन हो चुके हैं ठीक है जी अब आगे चलते हैं सबसे पहला काम है लोड द डेटा तो मैं यहाँ पे आज जो डेटा यूज़ करूँगा दैट बी टिप्स का डेटा जस्ट टू शो यू तो यहाँ पे एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट और इसको हम टिप्स के डेटा पे यूज़ करते हैं टाइटेनिक बहुत यूज़ कर लिया डी एफ डॉट ये हमारे पास जिनाबे वाला डेटा सेट आ गया टोटल बिल टिप सेक्स स्मोकर, डेट टाइम साइज। हमें पता है कि इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है तो मैं उसकी तरफ नहीं जाने वाला डायरेक्टली हम इनकोडिंग की तरफ जाएंगे इनकोड फीचर्स विच आर कैटेगोरिकल और ऑब्जेक्ट यूजिंग फॉर लूप सिंपली तो एक फॉर लूप लगेगा यहां पे लेबल इन कोडर हमने बुलाया फॉर कॉलम्स इन फॉर आई इन डी एफ कॉलम्स या फॉर कॉलम्स इन डी एफ कॉलम्स आप लिख के भी इसको लगा सकते हैं तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो गई है लेकिन हमें कैटेगरी भी चाहिए तो हम दोनों पर यह लगा देते हैं तो हमारा डेटा हो गया यहाँ पर इनकोड मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा इनकोडिंग कैसी होती है दिस इज हाउ यू कैन सी द डेटा सेक्स जीरो वन में हो गया स्मोकर भी जीरो वन टू में हो गया डे वन टू थ्री में हो गया टाइम हो गया हमारे पास एंड साइज़ ऑफ टेबल हो गया तो ये आटोमेटिकली हमारे डेटा जो है सारे के सारा इनकोड हो गया अब अगला काम हमने क्या करना है हमने डेटा को सप्लिट करना है सप्लिट द डेटा इन टू एक्स एंड वाई फोर क्लासीफिकेशन ठीक है क्लासीफिकेशन के लिए हम एक्स वाई को करेंगे तो हमें पता है कि हमने अगर क्लासीफाई करना है किसी चीज को सो वी कैन डू दैट बाई यूजिंग सम काइंड ऑफ कॉलम्स यर ठीक है हम मेल या फीमेल को लिख सकते हैं अगर रिग्रेशन के लिए करना है तो हम टिप को यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे एक काम याद रखिएगा कि ये तो मैंने यहाँ पे डी एफ कॉलम्स करके ही सारे के सारा डेटा इनकोड कर दिया फ्रॉम हेयर फॉर क्लासीफिकेशन वी हैव टू यूज़ सेक्स का कॉलम कि हमें पता हो कि जिसने इतना बिल दिया है इतनी टिप दी है वो मेल हैं या फीमेल दैट्स आवर एम हेयर सो हमें पता चल जाएगा कि जेंडर क्या है या आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डे क्या चल रहा है या टाइम कौन सा चल रहा है बट आई विल जस्ट से कि आप सिंपली यहाँ पे सेक्स को ऐड कर दें एंड दिस विल बी आर एक्स एंड वाई अब हम करते हैं जनाब ट्रेन टेस्ट सप्लेट द डेटा वही सारी चीज़ें जो हम पिछले लेक्चर्स में भी करते आए हैं सो ट्रेन टेस्ट सप्लेट के लिए एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई सेट और एटी ट्वेंटी की रेशो पर हमने इसको ट्रेन टेस्ट सप्लेट कर लिया ट्रेन टेस्ट सप्लेट करने के बाद हमारा अगला काम क्या होगा क्रिएट द मॉडल क्रिएट ट्रेन एंड प्रडिक्ट दॉडल सो so सिंपली हम मॉडल इज इक्वल टू यहाँ पे रैंडम फ्रेश क्लासिफायर ले आएंगे ठीक है सो आप मॉडल की बजाय यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं इट्स इट्स टोटली अप टू यू मैं यहाँ पे मॉडल लिखना पसंद करता हूँ तो इस वजह से मॉडल आ गया फिर हम करेंगे ट्रेन द मॉडल उसके लिए हम मॉडल एक्स वाई पे फिट कर देंगे ठीक है एंड देन वी विल सी वाई प्रोडिक्ट जो मॉडल डॉट वाई प्रोडिक्ट एक्स टेस्ट आ गया और यहीं पे हम करेंगे वेल्यू द मॉडल वैल्यू एट द मॉडल ताकि एक ही जगह पे हमारा सारा काम हो जाए सो प्रिंट एक्यूरेसी स्कोर हमारे पास आ गया हम यहीं पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स और अपना जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है ये तीन हमारे मैट्रिक्स होते हैं क्लासिफिकेशन के ये यह यहाँ पे ले आते हैं एंड हेयर यू को दिस इज योर मॉडल अगर आप गौर करें तो यही स्कोर यहाँ पर भी आ रहा है इस वजह से मैं एक स्कोर को नहीं बुलाना चाह रहा था बट इट्स फाइन तो हमारे पास सिक्सटी वन परसेंट एक आई है फॉर दिस मॉडल और अगर आप चेक करें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें बता रहा है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज टेलिंग अस जस्ट अ मिनट तो मैं अहां पे फॉरवर्ड स्लैश एन अगर करूं यस दिस इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स तो फाइव टेन नाइन ट्वेंटी फाइव इसका मतलब है नाइन और टेन जो है फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव है जिसकी वजह से एक्यूरेसी सिक्सटी वन परसेंट है अब हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि इस एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकें मैं क्या करूंगा यहाँ से पहले तो रैंडम स्टेट 42 टू यहाँ पे सेट करता हूँ डेटा की ताकि हम मॉडल को सेट कर सकें बजाय इसके कि हमें डेटा का कोई मसला हो मैंने मॉडल को सेट डेटा को सेट किया नाउ द एक्यूरेसी इज फिफ्टी नाइन परसेंट ठीक है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ रेंडम फ्रेस क्लासीफायर के अंदर आप एन एस्टिमेटर्स को चेंज कर सकते हैं ठीक है और मैक्सिमम डेप्थ को भी चेंज कर सकते हैं मिनिमम स्प्लिट भी क्राइटेरियन भी आप चेंज कर सकते हैं ट्रॉपी रखनी है जीनी इंडेक्स या क्या रखना है डिसीजन ट्री के ज़्यादातर आपको यहां पे चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी ठीक है अब मैं यहां पे क्या करता हूं बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं कि जो एन एस्टीमेटर है दिस इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ ट्रीज़ इन फॉरेस्ट डिफॉल्ट हंड्रेड पे है जब हमने सौ ट्रीज़ रखे हैं तो हमारे पास एक्यूरेसी क्या आई मैं यहां पर करता हूं एन अंडर स्कोर एस्टीमेटर्स ये मैं सौ ट्रीज़ यहां पर रखता हूं और इसको मैं रन करता हूं यू विल सी कि हमारे पास एक्यूरेसी आई है सिक्सटी वन परसेंट मैं दोबारा से करता हूँ सिक्सटी थ्री मैं दोबारा से करता हूँ सिक्सटी वन ये क्यों हो रहा है रीज़न क्या है क्योंकि ये ट्रीज बार बार डेटा में जो अपनी डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे ठीक है सो so, इस वजह से हमारे पास वो चेंज हो रही थी मैंने उसको भी फोर्टी टू पर यानी कि एक रैंडम स्टेट को हिंज कर दिया अब हमें पता है कि जब सौ ट्रीज हैं तो फिफ्टी नाइन है फाइव नाइन मैं यहीं पे इसको दो सौ करता हूँ सिक्सटी वन हो गई है ठीक है आप चेक करें सिर्फ दो सौ ट्री करने से हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई है मैं तीन सो करता हूं फिर फिफ्टी नाइन होगी इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़नी ठीक है तो आप क्या करते हैं उस पॉइंट से पहले पहले तक आप अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं और एक्यूरेसी में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ट्री नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स या नंबर ऑफ ट्री का रोल नहीं है से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर पाँच सौ ट्रीज करता हूँ इट डजेंट मीन कि इसने एकूरेसी बढ़ा देनी है सिर्फ ट्रीज का रोला नहीं है देर आर मेनी पैरामीटर्स लाइक आप एंट्रोपी की बेस पर देख लें आपके जो फीचर्स हैं बेसिकली ये जो फीचर्स हैं ये भी मैटर करते हैं सारे के सारे एंड देर आर मैनी अदर थिंग्स तो आप अगर यहां पे हज़ार भी कर देंगे ना ट्रीज नंबर ऑफ ट्रीज मैंने हज़ार की अब आप देखिएगा इसको टाइम लगेगा बट एट दी एंड सिक्सटी वन एक आपके पास मैक्सिमम है इसका मतलब है एक्यूरेसी इस पर डिपेंड नहीं कर रही इसका मतलब दो सो इज फाइन इससे ज्यादा मैं ट्रीज करूंगा तो मसला हो जाएगा अब ये जो काम है ना हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यानी कि सिलेक्टिंग द बेस्ट पैरामीटर फॉर आवर फाइनल एनालिसिस अब यहां पे क्राइटेरिया ऑन अगर मैं करूं इज इक्वल टू मैं यहां पे कर लेता हूं एंट्रोपी एंट्रोपी करते हैं तो जनाब देखते हैं तब भी हमारे पास उतनी है एक्यूरेसी ठीक है लेकिन अगर गौर करें प्रिसीजन और रिकॉल पे शायद फर्क पड़ रहा हो सो इट्स फिफ्टी एंड प्रिसजन आपके पास इतनी है रिपोर्ट के अंदर सो so, ये आपकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है और ये इस तरीके से प्रिसीजन स्कोर है ये रिकॉल स्कोर है ये एफ वन स्कोर है और ये बाकी स्पोर्ट की वैल्यूज हैं बट बाय द वे एन एस्टीमेटर हमने लिख लिए अब इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं इसके अंदर वो देखते हैं क्या है अगर आप गौर करें मैक्सिमम डेप्थ है आपके पास आप मैक्सिमम डेप्थ भी बता सकते हैं ठीक है और आपके पास मैक्सिमम मैक्सिमम लीफ नोड भी है ठीक है फिर आपके पास बूट स्ट्रैपिंग भी है बुलियन इज इक्वल टू ट्रू है ठीक है और आपके पास देर आर मैनी अदर थिंग्स फॉर बोस भी आप दे सकते हैं जब वो ट्रेन हो रहे हैं तो आपके पास किस तरीके से आ रहा है वॉम स्टॉट लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं क्लास वेट मैपिंग देने हैं तो लिटरल बैलेंस है बैलेंस अप सैंपल है एंड देर आर मैनी अदर थिंग्स तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेसिकली एक और पैरामीटर जो है उसे हम छेड़ते हैं थोड़ा सा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री इफ नन देन नोड्स आर एक्सपेंडेड ऑल लीव्स आर प्योर और ऑल लीव्स कंटेन लेस देन मिनिमम सैंपल स्प्लिट सैंपल सो मैक्सिमम डेप्थ हमारे पास डिफॉल्ट नहीं है आप इसको खुद से रख सकते हैं सो आई कैन एक्चुअली राइट डाउन मैक्सिमम डेप्थ हियर मैक्स ड्रेड लेट सी क्योंकि अब जब मैंने यहाँ पे हंड्रेड लिखा है तो यहाँ पे था नीचे यहां में. अभी भी सिक्सटी वन है सो so, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा इससे भी राइट right? लेकिन अगर मैं इसी को दस करता हूँ, तो ये सिक्सटी थ्री हो गई है समझ आई बात की लेकिन अगर इसको मैं फॉर एग्जाम्पल आठ करता हूँ. तो ये हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ गई है बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो चार और चौदह ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज आ गई हैं सो so, एक अगर फील्ड बढ़ता है तो हमारे पास प्रिज स्कोर कम हो रहा है सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल ठीक है सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली ट्रेन द मॉडल बाय द वे सो ये रेंडम फ्रेस क्लासीफायर इस तरीके से सिंपली आपका जो है वो रन कर जाएगा अब आइंदा हम क्या करेंगे हम सारे के सारे कोड को एक ही जगह पर रख के चलाया करेंगे जहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी हो हमारा साथ ही ठीक है और साथ ही हमारा जो डेटा है एक्स वाई के अंदर भी हो एक ही कोड के अंदर ताकि हमारे पास आसानी हो कोड लिखने की भी और जगह को बचाने की भी ठीक है सो वी विल डू समथिंग लाइक ये हो गया जनाब हमारा स्प्लिट का डेटा एंड दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस तो अब हमारे पास क्या है सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज़ बुलाई हमने डेटा को लोड किया ठीक है इस स्टेप के बाद हमने क्या किया डेटा को इनकोड किया। इनकोड करने के बाद ये हमने मॉडल और ट्रेन टेस्ट सप्लेट सारा कुछ एक ही जगह पे कर लिया एंड एट दी एंड हमें यहीं पे रिजल्ट आ जाएगा ठीक है सो यू कैन एक्चुअली ट्रेन द मॉडल बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया तो मैं यहाँ पे डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं उन्हें हम यूज़ करके भी यहाँ पे कर सकते हैं और एक और चीज़ यहाँ पे बैगिंग बूट स्ट्रैप इज इक्वल टू अगर हम ट्रू करते हैं लेटमी सी अगर इससे कोई फर्क पड़ता है 61, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा सो बाय द वे दिस इज हाउ यू डू आ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन एल्ग्रिथम अब हमने यहीं पे एक नया कोड स्टार्ट करना है और इसी सारे कोड को मैं चेंज करूंगा रिग्रेशन के अंदर अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे किस तरीके से इसको चेंज करता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डम फोर रेस्ट फोर रिग्रेशन टास्क अब हम टिप को यहाँ पर प्रडिक्ट करेंगे यूजिंग आपका जो डेटा है तो एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पर चेंज कर देंगे डी एफ के अंदर टिप को हम ड्रॉप कर देंगे वाई में टिप रख लेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे डेटा को ट्रेन टेस्ट सप्लिट कर लेंगे सिंपली वही स्टेप्स हैं जो हमने पहले परफॉर्म किए हैं लेकिन अब हम कर रहे हैं ये रिग्रेशन के एलगोरिथम के लिए तो यहाँ पे हम क्रिएट ट्रेन एंड जो मॉडल है उसको हम सेट करते हैं फिट करते हैं मॉडल को प्रडिक्ट कर लेते हैं और अब हमारे पास जो इसके मैट्रिक्स होंगे वो डिफरेंट होंगे क्योंकि ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है सो वी विल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ रिग्रेसर्स, मीन स्क्वेयर एरर हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया आपके पास आर स्क्वेयर स्कोर है और रूट मीन स्क्र भी आ सकता है प्रिंट रूट मीन स्क्ट एरर मैं इसको रन करता हूँ और ये आपके पास जनाबे वाला चार किस्म के डेटा सेट जो हैं आपके पास आ चुके हैं अगर आप गौर करें आर स्कोयर आपका स्कोर टू फोर है विच इज़ नॉट रियली गुड अगर देखा जाए बट ऑन दी अदर साइड यू कैन हैव एन आइडिया अगर मैं यहाँ पे दो हज़ार करता हूँ ट्रेज को विच इज़ अ बिग नंबर लेट्स सी हमारे पास प्रडिक्शन कैसी आती है इट विल टेक अ लॉर ऑफ़ टाइम मशीन पर भी डिपेंड करता है अब होपफुली इट वॉन्ट टेक लाइक मैक्सिममली यस टेन सेकेंड लिए हैं इसने और ये चौबीस पे ही है ठीक है लेकिन ऑन द अदर साइड पॉइंट नाइन थ्री मेन स्क्र एर है मीन एब्सोल्यूट एरर सेवन सेवन है और रूट मीन स्क्टर एरर पॉइंट नाइन सिक्स है सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट एंड एट द एंड हमारे पास यहाँ पे अगर मैं कोई भी एस्टीमेटर नहीं देता और इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास बाईस रहता है और अगर मैं रेंडम स्टेट को भी उड़ा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हर दफ़ा ये चेंज होता जाएगा सी क्योंकि ये बार बार रैंडमाइज कर रहा है मॉडल को राइट दिस इज हाउ यू कैन डू रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑन इन पाइथन फॉर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम होपफुली आपको समझ आ गई होगी और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बैगिंग का कॉन्सेप्ट भी बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी और हमने जो एल्गोरिथम यूज़ किया है दैट इज़ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दैट्स गुड लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दें और होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी अगले जो लेक्चर्स हैं हमारे उसमें हम एक्सजिप बूस्ट अडेप्टिव बूस्ट इन दो एल्गोरिथम्स को देखेंगे फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग की तरफ जाएंगे, फिर आहिस्ता 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 हम आगे मूव करते जाएंगे